सुच्चा सिंह छोटेपुर की परिवर्तन यात्रा आज फरीदकोट में आकर समाप्त हुई, जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ मुलाकात की, जहां सारे पंजाब में अलग अलग जगह पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर नई रणनीति तय करने के लिए मशवरे किए। आज पत्रकारों के साथ एक प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हरदीप किंगरा के घर पर की। बातचीत करते हुए उन्होंने इशारों इशारों में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि जिन साथियों ने उनका साथ दिया और उनके साथ चले, वो उन सब से इस यात्रा में मिले और समझदार और सूझवान साथियों के सलाह से और राय से ही अगला कदम उठाएंगे। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक लंदन से प्रकाशित होने वाले मैगजीन के हवाले से छोटेपुर पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि उनके द्वारा करोड़ों रुपए लेकर आपको तोड़ने और अपने पर लगे इल्जामों को दबाने के लिए पार्टी छोड़ने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचा। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने लंदन से पता करवाया है और वहाँ पर ऐसा कोई मैगजीन है ही नहीं। राजनीतिक विरोधियों की ये बड़ी घटिया साजिश है उन्हें बदनाम करने की, जबकि उन्होंने कभी भी पैसों का लालच नहीं किया। केजरीवाल द्वारा अकाली दल पर इल्जाम लगाए गए थे कि वो उनके खिलाफ कई सीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में जनता के सामने रख सकते हैं। इस मामले में छोटेपुर ने कहा कि जो लोग गलत काम करते हैं उनकी ही सीढ़ी बन सकती है और शायद केजरीवाल के नेताओं ने गलत काम किए हैं जिनका उन्हें डर सता रहा है, इसलिए पहले ही अपने आप को सही घोषित कर रहे हैं। अमृतसर को पवित्र शहर बनाने के दावे पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं और पहले कभी भी उनको ये ख्याल नहीं आया, अब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। पंजाब परिवर्तन यात्रा जड़ी से शुरू की थी उदा लास्ट पड़ा है और ये मैं तुम ये दस देना चाहता कि मैं जिन्हें भी मेरे मास्टर से जेड़े मेरे स्ट्रेंथ आ जोड़े साढ़े वर्कर आ जिन्हें मेरे वास्ते मुसीबत के समय चाह का नारा मारिया जिन्हें पार्टी वास्ते दिन रात कम किया जेडे पार्टी की वर्किंग तो मायूस हो के कट्ठे हुए सी उन्हां सारयां दा संदेश लगभग यहो जी है कि तुसी कोई नवा प्लेटफॉर्म दिओ जिदे ते चंगे बंदे जेड़े आ वो सारे कट्ठे होण ते पंजाब दे विच पंजाबियां दी जिन्हां दी कमिटमेंट पंजाब वास्ते होवे उन्हां बंदियां दी सरकार बने इस तरह की पार्टी बनाओ। ये मैनूं संकेत मेरे मास्टर तो मिले आ खूब जिहड़ा तुसी पार्टी का नाम आ ये तो सानू लीगल जिहड़ियां हैगियां लीगल प्रोस्पेक्ट्स देखने पैणगे कि असीं की नाम रख सकते हैं। मेरे मन च कुछ हो सकता, सिद्धू साहब के मन च कुछ हो सकता, दूजियां दे कुछ हो सकता, पर जो कंसेंसस बनूगी जो नाम सारे एक्सैप्टेबल होगा वाइबल होगा तो प्लस उत्थे भी लीगली भी ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ ਅਠਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ? ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈ। ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ। ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਸ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੇ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਸ ਕੇ ਲੀਏ।